नमस्ते, मैं संजीव खेरवार हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। और मैं लद्दाख के जितने भी बच्चे 10th और 12th जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, उन सबको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। और जैसे आप सबको पता है, हम पहली बार CBSE में गए थे, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे 10th और 12th के। इस बार जब हमने बोर्ड एग्ज़ाम दिलवाया, तो हमने जब रिजल्ट आए तो उसकी हमने समीक्षा की, उसको हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, तो रिजल्ट जो हमने सोचा था उतने अच्छे उतने अपेक्षित नहीं है। पास परसेंटेज थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है। वो स्वाभाविक भी है क्योंकि CBSE का पैटर्न डिफरेंट होता है, कई बार एक चीज को समझने में टाइम लगता है। हमने विंटर कोचिंग भी कराई थी इस बार उस चीज को एड्रेस करने के लिए, ताकि बच्चों की और अच्छी तैयारी हो। बट डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि रिजल्ट थोड़े से हमारे उतने एक्सपेक्टेड के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, तो इस बार हम जो है दो तीन चीजें करने वाले हैं। जो 10th और 12th में जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, उनको एक और मौका देंगे कि दोबारा रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह अटेंड करें अपने स्कूल को, और वो ड्रॉप आउट ना करें, या नेशनल ओपन स्कूल की जगह वी वांट टू गिव देम एन ऑप्शन कि वो दोबारा एक बार हमारे रेगुलर स्कूल में पढ़े। तो 10th या 12th के बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा वो आके जिस स्कूल में पढ़ते थे क्लास अटेंड करें, एंड एक और अच्छी तरह मेहनत करें। और इस बार जो है मेरी वो एक्सपेक्टेशन रहेगी दे विल डू बेटर देन लास्ट टाइम। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए, वो हमने सारी समीक्षा की सारे सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हर यूनिट बना के पढ़ाई के, इंग्लिश में यूनिट्स बना के, मैथ्स में यूनिट्स बना के, हर यूनिट के लिए एक टाइम दिया जाएगा टीचर्स को, जिसके अंदर उनको पढ़ाना है बच्चों को और उसका रिविजन कराना है, ताकि एक हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहे सब लोगों की कि इस समय के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, और उसके ऊपर बच्चों को एक दो बार उसका रिवीजन या उसके ऊपर उसका एग्जाम भी हो जाना चाहिए। तो उसकी भी हम एक सर्कुलर ऑर्डर निकाल रहे हैं, ताकि बच्चे जो है विद इन अ सर्टन टाइम, अब टीचर्स विद इन अ सर्टन टाइम जो है अपने यूनिट्स को पूरा कराएं और बच्चों की और प्रिपरेशन बेटर कराएं। सो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबसे, दैट वी आर ऑल अ टीम। इट इज नॉट अ स्टूडेंट दैट हैज नॉट डन वेल, इट इज ऑल ऑफ अस एज इको सिस्टम हु हैज टू डू बेटर देन लास्ट टाइम, एंड वी आर कमिटेड टू डूइंग बेटर, एंड वी वॉन्ट टू इंश्योर कि हमारे बच्चे जो है स्कूलिंग सिस्टम के बाहर ना जाए। क्योंकि एक्सपीरियंस दुनिया में यही रहा है कि जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लंबे होते हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लंबे रहे, बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें, 10th पास करें, 12th पास करें, उसके बाद कॉलेज में भी जहाँ